हेलो एवरीवन दिस इज़ माइंग कोठारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस एफ एम कम्पाइलर आई एम गोइंग टू टेल यू कपल ऑफ थिंग्स अबाउट दी एस एफ एम कम्पायलर्स बहुत सारे बच्चों ने यह रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा सा वीडियो निकालिए वीडियो में एस एफ एम कंपाइलर के बारे में बताइए कि वो बुक क्या है क्या उसके अंदर में कवर्ड रहेगा ताकि हमको गाइडेंस मिले क्या हमने बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए तो कब खरीदनी चाहिए सो so, बहुत सारे सवाल है दो दिन तक जैसे छः तारीख को लॉन्च की बुक सात तारीख तक मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सवाल आ चुके हैं जो बच्चों ने पूछे हैं जगह 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 पे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे तो उन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा सर और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बुक के बारे में सब कुछ सबसे पहले आइए सर बुक देखते हैं या सो दिस इज गोइंग टू बी द बुक ये ऐसी बुक दिखेगी आपको ये पहली है यहाँ से अगर आप उसका मोटापा जनरली हम बच्चे थे स्टूडेंट थे तब यही करते थे कि देखते थे कितनी मोटी है बुक तो ये बुक इट इज़ एज़ गुड एज़ अ प्रैक्टिस मैनुअल की साइज का जो ओल्ड सिलेबस वाले उनको पता होगा और uh, आप अगर इसमें पेजेस पूछोगे नंबर ऑफ पेजेस पूछोगे इसमें तो ये है तकरीबन पाँच पेजेस की बुक ठीक है इसके अंदर में सर बहुत कुछ कवर्ड है अब क्या क्या, क्या कवर्ड है आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा इसके नीचे में सब कुछ लिखा है मैं डिटेल में आपको बताऊँगा जूम करके ये अंदर से सर ऐसे दिखेगी आपको ये पहला पेज ये पहला पेज शुरू होता है उसके बाद सबसे पहला सवाल सर कलर्ड है कि ब्लैक एंड वाइट है देखो अभी <coughs> ये ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी आपको क्योंकि ये जो कंपाइलर बनाने का डिसीजन है ये डिसीजन लिया गया था और uh, बीस या इक्कीस तारीख को इक्कीस जनवरी को रिज़ल्ट आने के बाद में और uh, उसके बाद टाइम बहुत कम बचता है और पंद्रह दिन के अंदर में इतने सारे लोगों ने मेहनत करके इस बुक को मतलब हम टेबल पे लेके आ गए हैं तो इस अटेम्प्ट के लिए तो भी ये ब्लैक एंड वाइट में रहेगी और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आई विल ट्राई टू इम्प्रूव uh, कि इसको कलर्ड में लाया जाए और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाए तो आइए सर सबसे पहले डिस्कस करते हैं अब इस बुक के बारे में कि बुक के अंदर क्या क्या कवर्ड है ठीक है दो मिनट स्क्रीन, हाँ, चलिए तो ये ऐसा कवर पेज रहेगा और सबसे पहले नीचे आते हैं कवरेज क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे बुक का इसके अंदर में क्या क्या कवर्ड है पहली बात तो ये न्यू सिलेबस वालों के लिए अप्लीकेबल है पूरी तरह से ठीक है ओल्ड सिलेबस वालों का क्वेश्चन होता है सर हमारे लिए क्या है देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ भले ही अब ओल्ड और न्यू सिलेबस हो गया मेरे पास में टाइम उतना ही होता है तो मेरे को एक ही चीज डिसाइड करनी पड़ती है या तो मैं कुछ काम करूँ तो न्यू सिलेबस के लिए करूँ ओल्ड सिलेबस के लिए करूँ कुछ बच्चों का ये बोलना है सर आप तो हमें भूल ही गए ऐसा नहीं है वो भूलते नहीं हैं बट काम का जो इम्पैक्ट है ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अभी अगर मैं कुछ भी करूँ ओल्ड सिलेबस के लिए तो वो एक साल के अंदर वो सारा का सारा काम जो है वेस्ट हो जाएगा एंड मेहनत बहुत लगती है किसी भी चीज़ को करने में तो इफ़ इट स्टेज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ अ गुड डिसीजन अच्छा तो ओल्ड सिलेबस वालों को यूज़ करना है तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ ये बुक आप यूज़ कर सकते हो पूरी तरह से सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखो तीन चैप्टर इसमें से आपने नहीं पढ़ने हैं ओल्ड सिलेबस वालों को बोल रहा हूँ मैं सिर्फ एक तो है आपका चैप्टर नंबर टू रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर नंबर सिक्स सिक्योरिटाइजेशन और चैप्टर नंबर फोर्टीन स्टार्टअप फाइनेंस ये तीन चैप्टर आपने नहीं करने इसके अलावा सारे चैप्टर आपको अप्लीकेबल है और क्या कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इसके अंदर आपके लिए इंक्लूडेड नहीं है ओल्ड सिलेबस वाले वो है कैपिटल बजटिंग लीजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन और एक चैप्टर था फाइनेंशियल सर्विसेज तो ये चार चैप्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है तकरीबन पंद्रह से बीस परसेंट तक का पार्ट आता है तो तीन चैप्टर छोड़ दो चार चैप्टर कहीं और से कर लो तो ये पूरा कंपाइलर आपके लिए भी अप्लीकेबल है ये था ओल्ड सिलेबस वालों के लिए लेकिन न्यू सिलेबस वालों के लिए सर क्या है पूरा हंड्रेड परसेंट इट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, तो हैव टू नोट डाउन एनी थिंग सबसे पहले सर छब्बीस पास्ट एग्जाम पेपर्स इंक्लूड किए गए मई दो से लेकर मई दो तक तो सर न्यू सिलेबस का पेपर पहला सवाल न्यू सिलेबस का पेपर तो अभी 2018 से शुरू हुआ है तो आपने पहले के पेपर कैसे इंक्लूड कर लिए ये पहले के जितने भी पेपर ये सारे ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पेपर है जिसमें 90 परसेंट एटी परसेंट जो सिलेबस सेम है वो सारे क्वेश्चन उठा के इधर डाल दिए गए जैसे फॉरेक्स एक्स हो डेरेवेटिव हो पोर्टफोलियो हो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो मर्जर हो कॉर्पोरेट वैल्यूशन ये सारा का सारा ओल्ड सिलेबस में जो था वो उठा के न्यू सिलेबस में डाला गया ठीक है इसलिए मई 2008 से नजर आएगा आपको तो और का है, लेकिन मे टू थाउजेंड एट एग्जाम्पल में क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि न्यू सिलेबस में वो सब्जेक्ट वो चैप्टर ही नहीं है ठीक है तो ओल्ड का सारा पार्ट हटा दिया गया 23 रिवीजन टेस्ट पेपर्स नवंबर 11 से लेकर मई 2020 तक इंक्लूडेड है इसके अंदर आप गिनने मत लग जाना क्योंकि 2018 से ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू मतलब हर अटैम्प में दो आर आई है ठीक है तो चार आर तो सिर्फ दो चार अटैम्प आठ आर तो सिर्फ चार अटैम्प्ट की हो जाती है ठीक है 28 मॉक टेस्ट पेपर है फेबरवरी 2014 से लेके अक्टूबर 2019 तक कभी एक मॉक टेस्ट पेपर आता था कभी हर अटैम्प के लिए दो मॉक टेस्ट पेपर आते थे फिर ओल्ड और न्यू सिलेबस में चार आने लग गए सो दिस इज 28 मॉक टेस्ट पेपर टोटल मिला के फोर क्वेश्चंस कवर्ड है 497 पेजेस पे फोर नाइन्टी एट क्वेश्चन में थ्री नाइन्टी नाइन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नाइन्टी नाइन थेरी क्वेश्चन है इतफ़ाक़ से ये नाइन्टी नाइन के एंड पे आके रुका है नवंबर अटेम्प्ट ये जो नेक्स्ट एडिशन आएगा अगस्त में इसका उसमें क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है सिर्फ चार एग्जाम्स का जो न्यू सिलेबस का है ओल्ड सिलेबस का लेके मतलब नहीं है क्योंकि वेटेज बदल चुका है तो आपको वो मिसलीड करता अगर मैं ओल्ड सिलेबस का डाल देता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक ऑल ऑफ दिस पीपल हु हैव हेल्प मी एक बंदे की बस की बात नहीं है ये पंद्रह दिन में पाँच सौ पेजस का डॉक्यूमेंट वर्ड टू वर्ड चेक करना टाइप करना प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना सही है कि नहीं है ये सब डिसाइड करना सो जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है एंड एवरी वन हैज एवरी वन ऑफ दिस सिक्स पीपल हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दिस कंपाइलर अ रियलिटी थैंक्स टू ऑल ऑफ दिस गाइज आई होप ये लोग आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे सो दिस इज़ फेबरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी का एडिशन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो सेकेंड पेज पर दी रहेगी दीज आर द मिस्टेक्स विच यू नीड टू अवॉइड इन एग्जाम हॉल मैं बता रहा हूँ सर हज़ारों बच्चों को सुनने के बाद पाँच से छः साल पढ़ाने के बाद जो चीज़ें मेरे को लगता है कि बच्चे गलतियाँ करेंगे पहली बार में वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ नोट किए अगर इसको आप फॉलो कर लो ना भाई साहब मज़ा आ जाएगा इसके बाद में आपको कंटेंट दिया हुआ है चैप्टर वाइज यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस फोर्टीन चैप्टर्स ठीक है आपके कितने क्वेश्चन हर चैप्टर में कवर्ड है ये भी दिया हुआ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आ रहे हैं और फॉरेक्स में आ रहे हैं ओके okay. उसके बाद कौन से पेज पे कौन सा है ये भी आपको दिया हुआ है और सीधे नेक्स्ट पेज से पहला चैप्टर शुरू होता है अब आपको बेसिकली देखना है कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड है सबसे पहला तो सर आंसर्स भी मिलेंगे क्या यस yes सर हर क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा हर क्वेश्चन के आंसर इसमें कवर्ड है प्रैक्टिकल हो या थेरी सो जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है तो क्वेश्चन वन उसको अपन ने लिख लिया यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन वन कौन सा था और ये कब कब पूछा गया तीन चीज़ें आएगी सिर्फ यहाँ पे सर जैसे ये नवंबर 18 ओल्ड लिखा है इसका मतलब ये एग्जाम में पूछा गया है नवंबर 2018 की ओल्ड सिलेबस के पेपर में ये पूछा गया था चार मार्क्स के लिए उसके बाद आपको दिखेगा आरटीपी मई पी अगर आर है तो वर्ड आर यूज होगा एम है तो वर्ड एम यूज होगा और अगर कुछ नहीं है इसका मतलब वो एग्जाम का पेपर एग्जाम का क्वेश्चन है तो जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा था नवंबर के आगे तो वो एग्जाम का क्वेश्चन हो गया और आंसर्स जो कवर किए गए हैं सर क्या ये आपने अपने मन से लिखे हैं नहीं ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स है इंस्टीट्यूट की आर से लिए गए आंसर्स है इंस्टीट्यूट के एम से लिए गए आंसर्स है ठीक है तो सारा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का ही है स्पेसिफिकली मैं आपको बता के चल रहा हूं क्वेश्चन एंड आंसर द रेफरेंस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल क्रेडिट गोज टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उन्हीं की ये देन है जो मैं एक जगह ला आपको दे रहा हूँ सो क्वेश्चन नंबर टू जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने में है अब देखो ये वाला जो है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नवंबर 12 के एग्जाम में चार मार्क्स मई 16 के एग्जाम में फिर मई 18 मे अट्ठारह उसके बाद एम चालू होती है देखो यहाँ से एम अप्रैल एटीन ओल्ड फोर मार्क्स तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेगी ये जानने में कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था सर प्रैक्टिकल वाले कुछ पेजेस में दिखा देता हूँ आपको <coughs> ताकि आपको एक संतुष्टि मिले आते हैं सीधा ये कौन सा चैप्टर है अपना म्यूचुअल फंड्स ठीक है तो जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो इस तरह से क्वेश्चन कवर्ड है यहाँ पे ठीक है और ये रहा मई फिफ्टीन एग्ज़ाम में आठ मार्क्स का पूछा गया उसके बाद आर में एम में कब कब पूछा गया सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसका आंसर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है बस और क्या है इसी तरह से सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं आई होप आपको बुक के पेजेस भी रेफरेंस के लिए पता चल गए सेम चीज़ है आपको ये जानना था कि कैसा अंदर से दिखता है ये पता चल गया इंस्टीट्यूट के आंसर से ये पता चल गया और एक दो सवाल ऐसे हैं सर हमने आपके वीडियो लेक्चर्स ले लिए हैं क्या हमें कंपाइलर लेने की ज़रूरत है अगर आपने वीडियो लेक्चर्स ले लिए हैं तो दो चीज़ें या तो आपका मे ट्वेंटी एग्ज़ाम होगा या तो आपका नवंबर ट्वेंटी या आगे का एग्ज़ाम होगा अगर मे ट्वेंटी है वीडियो लेक्चर्स ले लिए वही किताबें रेफ़र कर रहे हो तो इनफ है वही किताबें रेफ़र करो और, और कंपाइलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना करने का अब ध्यान दो अगर नवंबर ट्वेंटी है और एक ही ग्रुप है तो फिर आप कंपाइलर ले लो लेक्चर्स ले लिए नवंबर ट्वेंटी है और एक ही ग्रुप है तो कंपाइलर ले लो आपका काम अच्छा से हो जाएगा बहुत कुछ कवर्ड है इसके अंदर में कंपाइलर में और दोनों ग्रुप अगर है तो मैं बोल रहा हूँ कंपाइलर छोड़ दो क्योंकि आपके पास में फिर से मैं यही कह रहा हूँ टाइम नहीं है ठीक है मे ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी में कंपाइलर वो लोग ले लो जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए या फिर मेरे को अगर सिर्फ़ एक एक ही किताब रेफ़र करनी है सर एस एफ एम में मैं ना आपकी नहीं करना चाहता मैं किसी और फैकल्टी की नहीं करना चाहता मैं किसी और की रेफरेंस बुक नहीं करना चाहता मेरे को सिर्फ एक ही किताब रेफ़र करनी है जिसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड हो तो कंपाइलर ले लो कहानी ख़त्म हो जाती ठीक है बहुत कुछ कवर्ड है उसके अंदर में और उसके बाद मे ट्वेंटी वन से अगर है और लेक्चर्स ले रखे हैं आपने तो कंपाइलर ज़रूर लो लेक्चर्स करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए कंपाइलर से सॉल्व करो ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है और आंसर्स एक्सपेक्ट करता है तो इंस्टीट्यूट का ही आइडिया है उसके अंदर में तो आपको आई थिंक सारे क्वेश्चन के मैंने जवाब दे दी मे ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स तो कंपाइलर ले ही लो ठीक है मे ट्वेंटी वन नवम्बर वालों ने कंपाइलर अभी से ले ली तो चलता और अगर आपका नवंबर 21 में एक ही ग्रुप है तो मैं थोड़ा बोलूँगा कि आप इंतज़ार करो नेक्स्ट एडिशन लो नेक्स्ट एडिशन शायद कलरफुल मिले दो चार क्वेश्चन और ऐड हो जाए और ऐसे सब चीज़ें हैं सर फॉर्मेटिंग थोड़ी और बदल जाए जो भी है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव इशूड द कंपाइलर दो तीन मिस्टेक्स हो सकती है आपको वर्डिंग्स में मिल सकती है अगर ऐसा कुछ है तो आई एम ऑल ओपन फॉर सजेशंस प्लीज़ सजेशंस के लिए आप मेल करो मयंक डॉट कोठारी एट द रेट कॉन्फरेंजा डॉट इन पे या फिर आप मेल कर सकते हो सपोर्ट एट द रेट कॉन्फरेंजा डॉट इन पर तो ये सारी बातें सर मैंने आपको बुक के बारे में बता दी अगर आपका कोई और सवाल हो तो इस वीडियो को जो यूट्यूब पर मैं डालूंगा उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछेगा मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा अगले तीन दिन तक बात आती है सर ख़रीदने की डिस्पैच की डिलीवरी की तो आइए सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इन सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे इसमें जस्ट अ मिनट है मोबाइल काम नहीं है काम नहीं करता कभी कभी हाँ तो ये सर आपके पास में मोबाइल होगा ऐसा कुछ ठीक है इस मोबाइल में आपको एक ऐप आप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर ये बुक खरीदनी है तो कहाँ से ख़रीदनी है अगर आप देख रहे हो ऊपर से दूसरा वाला ऐप है कॉन्फ्रेंस एम सी क्यूज ऐप तो ये ऊपर से दूसरा वाला जो ऐप है इसको अपन ऐसा टैप करेंगे अरे ये तो आई ऐसे बैंक खुल गया। ये हम टैप करेंगे ठीक है आपका एम सी खुल जाएगा उसके बाद हाँ एस एफ एम सिलेबस वाले बच्चों को क्वेरीज़ यहाँ से पूछना है ना एम एक्सट्रीमली सॉरी पिछले 10 से 12 दिन से मैंने कोई क्वेरी सॉल्व नहीं किया क्योंकि कंपाइलर बनाने में टाइम देना पड़ा तो ना मैंने कोई इंग्लिश के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए ना ही मैंने कंपाइलर सॉल्व किया तो सॉरी कंपाइलर बोलता हूँ क्वेरीज सॉल्व किया है अब इसके अंदर में आप देखोगे तो ये सेकंड ऑप्शन है सेकेंड uh, ऑप्शन है एम का थर्ड है लाइव टेस्ट का और फोर्थ है स्टोर का इसमें आपको जाना है सर अगर आपको खरीदना है तो ये और स्टोर के अंदर में नीचे देखेंगे वीडियो लेक्चर्स है और उसके बाजू में बुक्स है बुक्स के नीचे में होम टॉप सेलिंग और न्यू रिलीजिस तो आपको जाना है थर्ड में न्यू रिलीजेस में और जैसे ही आप थर्ड में जाओगे आपको एस एफ कंपाइलर यहाँ पर दिख जाएगी ठीक है सात सौ रुपये की बुक पाँच सौ अठारह रुपये की प्राइसिंग छब्बीस परसेंट डिस्काउंट थोड़ा सा प्रमोशन ओके okay. तो so, uh, आते हैं आगे और आप अगर आप ध्यान दोगे तो ये दिस इज़ हार्ड बाइंडिंग बुक रहेगी ठीक है और मैट लैमिनेशन एडिशन फर्स्ट है न्यू सिलेबस के लिए अप्लीकेबल है टोटल पेजेस 497 नाइन्टी सेवन है जो आपके काम के आगे पीछे और दो चार पेजेस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा 1.2 पॉइंट टू के जी की बुक है सर ये ठीक है ठीके? और तो आपको अगर इसके बारे में और इमेजेस वगैरह देखना आपको मैंने सैम्पल इमेजेस यहाँ पे डाल रखी है ठीक है <coughs> अच्छा मैंने एक चीज़ तो बताया नहीं आपको इस बुक के आखिरी में मैंने इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस के चारों क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है so, सो आपको एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट किस पैटर्न में पूछती है सो so, जो मई 2018 से नवंबर 19 तक के नवंबर 19 ऑल्सो के चारों क्वेश्चन पेपर जो है न्यू सिलेबस के वो मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा उस तरह से आप तैयारी करोगे प्रैक्टिस करोगे ठीक है अब इसके बाद में इनके डिस्पैच शुरू हो रहा है सर एलेवेंथ ऑफ फेब्रुवरी से तो एलेवेंथ ऑफ फेब को मैं 200 बुक्स ही डिस्पैच करूंगा ठीक है आई थिंक छः तारीख को जब लॉन्च किया था तब छः तारीख को डेढ़ सौ के आसपास कुछ तो बुक्स लोगों ने ऑर्डर कर दी थी अभी तक एक सौ सत्तर के आसपास हो चुकी है ओके सो एलेवेंथ फेब को दो सौ बुक होएगी सर डिस्पैच और मैं एयर से ट्राई कर रहा हूँ कि एयर से मैं उसको डिलीवर करवाऊँ फेडेक्स से डिलीवर करवाऊँ ताकि सात दिन के अंदर मैक्सिमम आपके पास पहुँच जाए बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपको ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद के जितने भी ऑर्डर रहेंगे यहाँ पे मैं डेट बदल दूंगा जैसे ही दो ऑर्डर कंप्लीट होंगे मेरा स्टाफ यहाँ पे डेट बदल देगा और अलेवेंथ फेब की जगह फिर वो थर्टीनथ या फोटीनथ फेब कर देगा क्योंकि दो से तीन दिन और लगेंगे बाकी दो बुक्स और आने में ठीक है उस वहाँ से सात दिन आप पकड़ के चलो कि आपको बुक्स मिल जाएगी ओल्ड सिलेबस वालों ने क्या रेफर करना है क्या नहीं रेफर करना है वो मैंने सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है इसके बाद में क्या कवरेज है फिर से यहाँ पे दे रखा है अगर बुक पसंद आई तो सर रिव्यू ज़रूर डालना मतलब मेरे को भी पता चलेगा ठीक है आई हैव ट्राइड अ लॉट आई हैव ट्राइड अ लॉट टू मेक दिस बुक अवेलेबल एंड आई एम डैम श्योर डैम डैम श्योर दैट न्यू सिलेबस के लिए जो प्रैक्टिस मैनुअल मिसिंग था ये प्रैक्टिस मैनुअल की कमी को पूरा करता है आपका कंपाइलर तो यस गो है एंड इफ़ यू थिंक दैट यू शुड परचेज इट इट शुड बी हेल्पफुल टू यू बाय इट आई एम डन विद दिस कंपाइलर थिंग ओके टुडे सेवेंथ ऑफ से एट्थ ऑफ फेबर को मैं uh, जैसलमेर जा रहा हूँ सो फोर टू फाइव डेज आई विल आई विल नॉट बी देयर क्वेरीज मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा और रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं रहेगी इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू मीट मीन जैसलमेर ऑन नाइन्थ और टेंथ प्लीज पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन और आप मेल भी कर सकते हो मेरे को डायरेक्टली कमेंट्स में मत बताना मेल कर देना मयंग डॉट कोठारी एट द रेट कॉन्फ्रेंसा डॉट इन पे तो लेट्स सी इफ़ वी कैन प्लान आउट अ मीटिंग फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम मैं दे पाऊँगा बिकॉज मेरी बीवी भी साथ में रहेगी तो जूते नहीं खाने मैंने ठीक है सो दिस इज इट दिस इज़ इनफ कपल ऑफ मोर थिंग्स टू शेयर विथ यू एलेवंथ को मैं दिल्ली में रहूँगा एलेवंथ uh, को शाम को दिल्ली पहुँचूँगा रात को ही पहुँचूँगा तो अलेवेंथ इज़ नॉट ट्वेल्थ को दिन भर मैं दिल्ली में हूँ आई हैव टू मीट कपल ऑफ पीपल दिल्ली में किसी से मिलना पॉसिबल नहीं है बट अ गुड न्यूज़ टू शेयर विथ यू लक्ष्मी नगर में कॉन्फ्रेंजा का स्टोर ओपन हुआ है एंड कपल ऑफ़ पीपल आर हैंडलिंग इट सो इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट कॉन्फ्रेंज़ा जितनी भी चीज़ें कॉन्फ्रेंसा से रिलेटेड आपको अगर बात करनी है तो आप गूगल मैप पर कॉन्फ्रेंसा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ऐसा सर्च करेंगे ना तो आपको लोकेशन मिल जाएगी उसमें और 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 हाँ एक दो चीज़ें और जिन्होंने भी कॉन्फ्रेंस ऐप से बुक्स ऑर्डर की थी मेनली भावर बुराना सर की बुक थी और विनोद गुप्ता सर की बुक थी और मनीष भंडारी सर की बुक थी हज़ारों बुक्स ऑर्डर हुई है थोड़ा सा डिलीवरी में उनको प्रॉब्लम आई होगी बिकॉज ये डायरेक्ट बुक्स हम एम से डिस्पैच करवा रहे थे अभी तक और जो भी इंटरमीडियरी था उन्होंने थोड़े से डिलीवरी जो है आ, लोकल वाली यूज़ की थी इसलिए दिन थोड़े ज़्यादा लग गए बट स्लोली स्लोली फ्रॉम फरवरी हम खुद ही बुक्स परचेज कर रहे हैं मतलब दिल्ली का जो स्टोर है वो खुद ही बुक्स परचेज करके डिस्पैच करवाएगा मोस्ट रोवली वी आर ट्राइंग कि फेडिक्स से टाइप हो जाए उसके रिगार्डिंग और ट्रैकिंग भी प्रॉपर मिल जाएगी सो वी आर स्लोली आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड इम्प्रूविंग थिंग्स लेट्स टुगेदर मेक इट अग बाय बाय फॉर नाउ स्टडी वेल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंपाइलर प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इट सी यू